वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, आज सुबह अखबार खोली, हेडलाइन थी बड़ी बड़ी कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है कि शराब के जो ठेकेदार हैं, क्योंकि अभी शराब की बेचने की अवधि जो है वो ख़त्म होने वाली है या बाद में ख़त्म होगी जब, तो इस दौरान अभी लॉकडाउन के दौरान जितने दिन दुकानें बंद रहेंगी शराब की, तो उतने दिन बाद तक वो शराब की बिक्री कर सकते हैं, शराब के ठेकेदारों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। तब सोचा कि पन्ना पेज चेंज करते हैं, दूसरी तरफ शायद मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई घोषणा हुई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आगे बढ़ते गए, तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना, कई मिडिल क्लास के लिए कोई भी घोषणा नहीं थी। दुख हुआ कि सरकारों के पास मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए कुछ भी नहीं है। तीसरा हफ्ता चल रहा है लॉकडाउन का, शायद संडे के बाद चौथा हफ्ता हो जाए, पूरा महीना जो है लॉकडाउन को पार कर जाए, लेकिन इस दौरान ना तो सत्ताधारी और ना विपक्ष ने मिडिल क्लास परिवारों की एक भी बात ना अपने ब्लॉग में लिखी है, ना उन्होंने कोई प्रेस नोट दिया है, ना किसी चैनल को इंटरव्यू दिया है। क्या समझा जाए, सिर्फ राजनीति। अभी इतने दिनों में लगभग तीसरा हफ्ता ख़त्म होने को है, आज वीरवार हो गया, शुक्र शनि इतवार, तीन हफ्ते पूरे हो जाएंगे। पानीपत में दुकानें बंद हैं, शोरूम बंद हैं, शटर के नीचे से लोग सामान दे रहे हैं, ग्राहकों को बुला रहे हैं, फ़ोटो क्लिक होती है, सारे काम होते हैं। उसके बाद पुलिस का शाम को एक बड़ा बड़ा प्रेस नोट आता है कि आज इतने लोगों के चालान कर दिए, दुकान खोली थी फलाने ने, वहाँ जाकर जो है चालान कर दिया उसका, और कई दुकानदारों की गिरफ्तारी भी हुई। शराब के ठेकेदार, शराब की दुकानें, शराब के कटे हुए शटर हमने दिखाए, पुलिस के पास भी ये सूचना पहुंची कि फलानी जगह शराब बिक रही है, लेकिन एक भी शराब ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, हुई तो सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के खिलाफ। मामला इसलिए बताना ज़रूरी है फिर से कि मिडिल क्लास कहाँ जाए। आप लोगों के फ़ोन आते हैं बार बार कि सर EMI आ गई, उसमें कुछ रियायत मिलेगी, पिछले लॉकडाउन में रियायत दी गई थी, लेकिन वो रियायत कैसी थी आप लोगों को पता है। बच्चों की फ़ीस आ गई, और ये महीना ख़ास तौर पर ऐसा होता है कि खर्चे बड़े होते हैं, लोगों ने अपने घर में अनाज भी इकट्ठा करना होता है, स्कूल के बच्चों की फ़ीस भी जानी होती है, दूसरे जो रूटीन के खर्चे हैं वो भी चल रहे हैं, जो डेली वाइज कमाते हैं वो अपने घरों में बैठ गए, दुकानों के किराए बढ़ गए, मकानों के किराए आ रहे हैं, मकान मालिक किराएदार को कहता है कि किराया दें, दोनों में मकान मालिक और किराएदार में झगड़े हैं, किसी नेता ने कोई बात नहीं उठाई। चलिए, अच्छी बात है ये। मुद्दा ये है कि क्या किया जाए। अभी ना तो इस मामले को लेकर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या चंडीगढ़ में बैठे हमारे नेता, उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। मिडिल क्लास परिवार में आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, सारा दिन खबरों से हम खेलते हैं, खबरें आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई खबर ऐसी आ जाए हम लोगों को भी खुशी हो कि इस खबर को फटाफट डाल दी जाए कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए आज सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी, लेकिन कोई घोषणा नहीं। सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए बड़े बड़े बैनर, बड़ा बड़ा सिस्टम जो है आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ भी नहीं। राशन जो मिल रहा है उसमें क्या दिया जा रहा है, अभी गर्मी में 5 किलो बाजरा, इन दिनों में कोई बाजरा खाता है, ये मजाक हो रहा है। BPL परिवारों के साथ खड़ी है सरकार, अच्छी बात है,
लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के बारे में, परिवारों के बारे में भी आप लोग सोचें, क्योंकि वोट मिडिल क्लास परिवारों ने भी दिए हैं, वोट बीपीएल ने भी दिए हैं, वोट एक्सपोर्टरों ने भी दिए हैं। अभी जब हम इस सारे एपिसोड को शूट कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले भी हमने सारी खबरें खंगाली कि शायद आज मिडिल क्लास परिवारों के लिए छोटी सी घोषणा हो जाए, लेकिन आज भी ऐसा कुछ नहीं था। बड़े लोगों के फ़ोन आते हैं दिन में कि साहब क्या होगा, हम लोग दुकानदार हैं, बड़े बड़े किराए हैं, कुछ तो राहत दिलवाई जाए, लेकिन सुनेगा कौन। हम लोग लगातार मिडिल क्लास परिवारों की बात उठा रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। लॉकडाउन किन के लिए? सिर्फ मिडिल और गरीब परिवारों के लिए। एक्सपोर्ट हाउस बड़े बड़े खुले हुए हैं, फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, मास्क की बात चल रही है, लेकिन दुकानें बंद करवा दी गई, शोरूम बंद करवा दिए गए, पुलिस के डंडे गरीब आदमी पर बरसते हैं, मिडिल क्लास परिवारों के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं। एक तो दुकान का किराया, बच्चों की फीस, ईएमआई और कितने भी खर्चे। सरकार को चाहिए था कि जब ये लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, जैसे बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के बारे में सोचा जा रहा था, वैसे मिडिल क्लास परिवारों के बारे में भी दो बातें रखी जाती, ताकि जो लोग दुकानें बंद करके अपने घर पर बैठे हैं, कम से कम उन्हें भी ये पता लगता कि हमने जिसको वोट दिया है, कम से कम वो तो आगे आया। इस दौरान एक चीज़ और सामने देखने को मिली, 26 पार्षद, मेयर, विधायक, एमपी सारे हैं, लेकिन इस दौरान नगर निगम पूरी तरह गायब हो गया। नगर निगम का कोई भी एमसी अभी फील्ड में नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी जब आपके पास वोट मांगने दोबारा आएंगे तो आप ज़रूर पूछना, क्योंकि जिस दौरान आप ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, तब इन पार्षदों में से इनको आगे आना चाहिए था, ये अपनी बात रखते। या इलेक्शन होता तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती, ऑक्सीजन भी आ जाते, सिलेंडर भी आ जाते आपके घर पे, दवाई भी पहुंच जाती। हालांकि शहर के नेता कुछ कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन तीसरा हफ्ता आज हो गया है, वो काम भी देरी से शुरू हुआ। चलो उसको भी कहते हैं कि देरी से, और देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या सही तरीके से आपके परिवारों की, हमारे परिवारों की मदद हो रही है? मिडिल क्लास परिवारों की, जो मिडिल क्लास परिवार घर में बैठे हैं, क्या उनकी मदद हो रही है? इस बड़े सवाल को लेकर हम लोग इस समय लाइव हुए हैं, और ये लाइव कवरेज के दौरान, क्योंकि फिर से कह रहे हैं कि शाम होते होते तक हम लोग देख रहे थे, पन्ने जो खंगाल रहे थे, सारी वेबसाइट हमने खंगाल दी, सरकार के प्रेस नोट खंगाल दिए कि मिडिल क्लास परिवारों के लिए कोई अच्छी घोषणा हो सकती है, लेकिन प्रेस नोट क्या आ रहे हैं, आज फलाने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई कर दी, आज मास्क के चलान कर दिए, आज रोड पे बिना बात के लोग घूम रहे थे उनके खिलाफ मामले दर्ज कर दिए, 188 लगा दी गई। तो ये क्या है, तो 188 धारा लगाई, आपका काम है आप करिए, लेकिन आपका ये भी काम है कि आप लोगों को वोट देकर हमने किसी को विधानसभा, किसी को लोकसभा और किसी को निगम में भेजा है। आप एक आवाज़ तो मिडिल क्लास फैमिली के पक्ष में उठाइए, ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ, इस नेता को मैंने बनाया था, इस नेता को मैंने वोट दिया था, और आज ये नेता मेरे आगे खड़ा है, मुझे ज़रूरत थी। कमेंट ज़रूर करना आप, और इस वीडियो को अगर जो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, ताकि आवाज़ ये जो है चंडीगढ़ तक पहुँच जाए, और दो चार दिन में हो सके तो मिडिल क्लास परिवारों के लिए कोई अच्छी घोषणा जो है हो सके, ईएमआई को लेकर घोषणा हो सके। सरकार बताते हुए भी ये शर्म आ रही है कि 20,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज जारी हुआ था, उस 20,000 करोड़ में से मिडिल क्लास परिवारों को क्या मिला? मिलना चाहिए था कुछ कुछ, 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये हिस्से में आने चाहिए थे, ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सके। अभी भी फंडिंग हो रही है, दे रहे हैं, एक्सपोर्ट हाउस वाले दे रहे हैं, अच्छी बात है,
21 लाख का, 10 लाख का, 11 लाख का जो चेक है वो जा रहा है। सरकारों के साथ मिलकर चल रहा है। ऑक्सीजन की आज की डेट में कोई कमी नहीं है, ये सरकार का बड़ा अच्छा काम है। समाज सेवकों के साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन बात सिर्फ मिडिल क्लास परिवारों की, थोड़ा सा मिडिल क्लास परिवारों के लिए सोच लें, ताकि चाहे जो सत्ता पक्ष है, चाहे विपक्ष है, चाहे आने वाली सरकारें हैं, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन आप लोगों को आपके वोटर याद रखें कि फलाना नेता आया था साहब और उसने मिडिल क्लास परिवारों की आवाज़ उठाई। आप राय जरूर दें और अपने कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट बड़े कीमती होते हैं, आप कमेंट जरूर करें। कमेंट ये ना करें कि साहब आपके मुंह पे मास्क नहीं था, आपका मास्क कहाँ है। ये मास्क का मुद्दा नहीं है, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भीड़ नहीं है, मास्क का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास की आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं, आप लोग भी शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके असलियत क्या है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस, आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812214545। Colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, sapno se behtar kal. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining.